अर्थशास्त्र के आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र की आधुनिक विचारधारा। इस विचारधारा को मानने वाले अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र चुनाव और विकास दोनों से ही संबंधित है। अर्थशास्त्री सैमुएलसन, कीन्स, बेनहम, इनका मानना है कि वर्तमान समय में संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने के लिए चुनाव की समस्या आती है और उनमें यानी कि इन संसाधनों में भावी यानी भविष्य में वृद्धि हो सके, ये आर्थिक विकास इसी से सुनिश्चित होगा। तो ये आर्थिक विकास और चुनाव की समस्या, ये दो समस्याएं अर्थशास्त्र का क्षेत्र होना चाहिए। इसकी विषय सामग्री की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र दो भागों में बँटता है। पहला है कीमत सिद्धांत यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में आप इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, MICRO, ठीक है। आर्थिक जीवन की छोटी छोटी इकाइयां अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष, परिवार विशेष आदि के अध्ययन को शामिल करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान में वितरित वस्तुएं या उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले साधनों की कीमत निर्धारण ही की जानकारी प्राप्त करना अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या मानते हैं कि समाज में जो वितरित वस्तुएं हैं या उत्पादन में प्रयोग होने वाले जो साधन हैं उनकी कीमत निर्धारण, समाज में जो वस्तुएं हैं या उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमत निर्धारण की जानकारी प्राप्त करना ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, ये कौन मानता है? आधुनिक अर्थशास्त्री। अतः उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व से संबंधित विषय सामग्री व्यष्टि यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल होती है। क्या क्या? उपभोग, कंजप्शन, उत्पादन, प्रोडक्शन, विनिमय, एक्सचेंज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, राजस्व यानी रेवेन्यू या टैक्स, इनसे संबंधित जो भी विषय सामग्री है वो सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल है, समाहित है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब ये व्यष्टि क्या है? व्यस्त यही सूक्ष्म। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मांग का सिद्धांत आता है, कीमत निर्धारण का सिद्धांत आता है। मांग का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ डिमांड, कीमत निर्धारण का सिद्धांत यानी कि प्राइस डिटरमिनेशन कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन, साधारण कीमत सिद्धांत, जनरल प्राइस लेवल, साधनों का इष्टतम आवंटन यानी कि अप्रोप्रिएट अलॉटमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन फैक्टर्स। तो अर्थशास्त्री मार्शल, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, प्रोफेसर जे आर हिक्स आदि का आधुनिक कीमत सिद्धांत के विषय में विशेष योगदान है। अब देखिए, ये हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, और इससे पहले आपने स्कैर्सिटी डिफिनेशन पढ़ी थी, वो थे प्रोफेसर रॉबिन्स। तो दिस इज़ द डिफरेंस। रॉबिन्स जो थे उन्होंने स्कैर्सिटी थ्योरी दी थी, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो हैं ये अर्थशास्त्र के आधुनिक कीमत सिद्धांत के प्रणेताओं में से एक हैं। इसमें मार्शल, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, प्रोफेसर जे आर हिक्स आदि शामिल हैं, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा इसका है आय व रोजगार का सिद्धांत। इसे समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी को आप मैक्रो बोलते हो, MACRO, मैक्रो, यहाँ ए है और माइक्रो में MI होता है, बस यही डिफरेंस है। तो ये रोजगार का सिद्धांत या आय का सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था शामिल होती है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिवेशों को सम्मिलित किया जाता है, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं कुल आय, कुल व्यय, कुल विनियोग, कुल आय यानी कि टोटल इनकम, इसे आप नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल यानी कि सामान्य मूल्य स्तर वगैरह, इनका विश्लेषण इसमें किया जाता है। आय के निर्धारक तत्वों से रोजगार का सृजन होता है, इसलिए इसे रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आपने दो हिस्से पढ़े यहाँ पे। अब हम आगे जा रहे हैं और जो बात हमें डिस्कस करनी है वो क्या है? वो है अर्थव्यवस्था, इसके भावी विकास को ध्यान में रखते हुए आय के रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैसे आपने जाना था कि आय का जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, इसके प्रमुख प्रतिपादकों में मार्शल थे, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन थे,
यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे हैं मुख्य रूप से प्रोफेसर कीन्स, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए रोजगार सिद्धांत यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया। उन्होंने 1936 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय आय तथा रोजगार सिद्धांत को ही केंद्र बिंदु बनाया था। वर्तमान में मुख्य रूप से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत शामिल होता है, राष्ट्रीय आय, मुद्रा का सिद्धांत आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे केन्सियन अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। कीन्स ने क्योंकि इसे इसकी खोज की थी इसलिए। कीन्स की पुस्तक का नाम क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कब प्रकाशित हुई? 1936 में। प्रोफेसर कीन्स, और इसे रोजगार के सिद्धांत को केन्सियन अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। चलिए, प्रोफेसर मार्शल ने किस विचारधारा को प्रस्तुत किया? उत्तर आता है सूक्ष्म विचारधारा को, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को। भूमि से संबंधित विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस विभाग के अंतर आता है? भूमि से संबंधित विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस विभाग के अंतर्गत आएगा? राजस्व विभाग। वितरण विभाग के अंतर्गत ये सूक्ष्म में आ जाएगा। वितरण विभाग के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वितरण विभाग के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वितरण विभाग आपने पीछे भी पढ़ा ही था, आप वहाँ से इसको मिलाएंगे तो आपको निश्चित रूप से वहाँ से दिखेगा। अगर दिमाग में आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक बार रिवाइज कीजिए। किन अर्थशास्त्रों का आधुनिक मत सिद्धांत के विकास में विशेष योगदान है? अभी आपने पढ़ा ही था, मार्शल वगैरह हैं इसमें शामिल, तो ये आपने पढ़ लिया। एक बार अगर ये नहीं आते तो फिर से रिवाइज कीजिए। ये चेक पॉइंट यही चेक करते हैं कि आपने कितना समझा, कितना पढ़ा और उसमें से कितना आपके दिमाग में रहा। अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव, नेचर की बात करते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु के विषय में भली बात जानने के लिए हमें उसके स्वभाव या प्रकृति को जानना होता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के ज्ञान के लिए उसके स्वभाव को भी जानना ज़रूरी है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान या कला दो रूप में अगर आएगा, तो कला है, लेकिन अगर विज्ञान की बात करें तो दो तरह के विज्ञान होते हैं, एक तो वास्तविक विज्ञान और दूसरा आदर्श विज्ञान। इसे अफर्मेटिव बोलते हैं, इसे आइडियलिस्टिक बोलते हैं। तो चलिए, विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो हमें ये जानना होगा कि विज्ञान है क्या। विज्ञान दरअसल एक व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। विचार आइडिया, अवलोकन ऑब्जर्वेशन, अध्ययन यानी कि एनालिसिस और प्रयोग यानी इम्प्लीमेंटेशन। विज्ञान शब्द प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए किया जाता है जो तथ्य, सिद्धांत, तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो प्रस्तुत वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हुए कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करती है और आदर्श प्रस्तुत करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कीन्स की है, इसे आपको याद करना होगा। कम से कम दो तीन बार पढ़िए, याद हो जाएगा। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो प्रस्तुत वस्तु यानी कि जो आपके समस्त वस्तु है, समक्ष वस्तु है, उसकी स्थिति का अध्ययन करते हुए कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करती है तथा आदर्श प्रस्तुत करती है। विज्ञान के अर्थशास्त्र को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अर्थशास्त्र विज्ञान किस तरह से है, हम ये पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से विज्ञान में क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी क्रमबद्ध रूप से तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का भी क्रमबद्ध अध्ययन होता है। विशेष नियमों पर आधारित है, विज्ञान अपने निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। अर्थशास्त्र के भी नियम अपने हैं, और मांग व पूर्ति का नियम, उपयोगिता ह्रास का नियम, उत्पत्ति का नियम, ये सब खास सिद्धांत हैं जो अन्य विज्ञानों की तरह अर्थशास्त्र में भी पाए जाते हैं। तो विशेष नियमों पर आधारित शास्त्र है अर्थशास्त्र। कार्य कारण सिद्धांत भी अर्थशास्त्र में लागू होता है। जैसे अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाने वाले मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग में वृद्धि उसकी कीमत में वृद्धि कर देती है। अतः अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि विज्ञान सिद्धांत कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कर देता है।
आपने जाना ना कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि उसकी कीमत में बढ़ोतरी कर देती है। तो कारण क्या है? मांग में वृद्धि। परिणाम क्या है? कीमत में वृद्धि। तो कारण और परिणाम दोनों के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने वाला विज्ञान हो गया अर्थशास्त्र। सार्वभौमिक सत्यता अर्थशास्त्र में विज्ञान की भांति कुछ ऐसे नियमों का भी अध्ययन होता है जो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक स्थान पर समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र के कुछ नियम सार्वभौमिक सत्यता प्रदर्शित करते हैं, जैसे उत्पत्ति, ह्रास नियम, मांग व पूर्ति नियम वगैरह। पांचवा है मुद्रा रूपी मापदंड। अन्य विज्ञानों की तरह ही अर्थशास्त्र का भी अपना मुद्रा रूपी मापदंड है। आर्थिक घटनाओं को मुद्रा रूपी पैमाने के द्वारा ही मापा जाता है। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं हम कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान दो तरह का होता है, वास्तविक और आदर्श। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? आइए इन प्रश्नों के उत्तरों को तलाशते हैं। वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि वास्तविक विज्ञान क्या है। दरअसल वास्तविक विज्ञान जो होता है उसमें कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में भी कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित होता है। जिस प्रकार मनुष्य किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग निरंतर करता जाता है, तो उसकी अगली इकाई से यानी नेक्स्ट इकाई से प्राप्त उपयोगिता कम होती चली जाती है। इसी प्रकार लगान सिद्धांत तथा ब्याज का सिद्धांत भी कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित कर देता है। केवल प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा अन्य लोगों ने इसे वास्तविक विज्ञान नहीं माना है। प्रोफेसर रॉबिन्स जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि एक अर्थशास्त्री का काम केवल खोज तथा व्याख्या करना है, समर्थन या निंदा करना नहीं होता है। तो इन्होंने इसे वास्तविक माना है, आदर्श नहीं माना। आदर्श में हम नमन आलोचना भी करते हैं तो उसमें निंदा भी हो जाती है, और किसी की जब हम समीक्षा में उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसका समर्थन भी हो जाता है। तो ये नहीं है कार्य अर्थशास्त्र का या अर्थशास्त्री का, ऐसा कहते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स। और इसका है यही कि खोज करें और व्याख्या करें कि यथास्थिति क्या है, कैसा होना चाहिए इस विषय में। ये विषय दर्शन का है, अर्थशास्त्र का नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं कि अर्थशास्त्री चुनावों का अध्ययन करता है, उनका मूल्यांकन नहीं करता। आदर्श विज्ञान के रूप में अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो हमको इसमें आदर्श विज्ञान के लगभग समस्त लक्षण दिखते हैं। अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं के वास्तविक रूप का अध्ययन ही नहीं बल्कि आदर्श रूप भी होना चाहिए का भी अध्ययन किया जाता है। तो रूप होना चाहिए का भी अध्ययन करते हैं कि कैसा होना चाहिए। उदाहरण के अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में हमें यह बताता है कि वस्तु की कीमत को किस प्रकार निर्धारित करना है और इस पर कितना कर लगाना है। प्रोफेसर हाटे का मत है कि अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी है। प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि इसका प्रमुख महत्व तो इस बात में है कि वह नीति शास्त्र के अधीन है और व्यवहार का सेवक है। इसके संबंध में कि आदर्श विज्ञान ही है अर्थशास्त्र, कुछ तर्क हैं। मनुष्य अपने व्यवहार और कार्यों में तार्किक प्रवृत्ति के साथ भावुक भी होता है। तार्किक यानी लॉजिकल होने के साथ साथ इमोशनल भी होता है मनुष्य, इसके जिसका प्रभाव उसके आर्थिक क्रियाकलापों यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर भी पड़ता है। इसी आधार पर कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्य के भावुक व्यवहार का भी अध्ययन होना चाहिए, किया ही जाता है। अर्थशास्त्र में मानव कल्याण के लिए आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सहारा लिया जाता है एवं उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण किया जाता है। साथ ही इसमें बेरोजगारी दूर करने के लिए आर्थिक अस्थिरता समाप्त करने एवं आर्थिक विकास में वृद्धि करने के उपाय बताए जाते हैं। इसे आदर्श एवं वास्तविक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट, श्रम विभाजन सिद्धांत के अनुसार अर्थशास्त्री का कार्य आर्थिक तथ्यों का संग्रहण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण करना है, जो कि एक वैज्ञानिक विधि है। श्रम विभाजन क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें अर्थशास्त्री क्या करता है? आर्थिक तथ्यों का संग्रह करता है, वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करता है। ये सब वैज्ञानिक विधि ही है। आदर्शात्मक पहलू अर्थशास्त्र के विषय को रुचिकर व उपयोगी बनाता है, क्योंकि इसमें आदर्श विज्ञान की तरह ही उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। मानवीय कल्याण की अधिकाधिक प्राप्ति है तो आर्थिक आदर्शों का बोध कराने के कारण यह एक आदर्श विज्ञान है।
अर्थशास्त्र में साम्य का अध्ययन किया जाता है। साम्य द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि साधनों का वितरण विभिन्न प्रयोगों में किस प्रकार किया जाए जिससे कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। देखिए, ये कुछ पॉइंट थे जो ये बताते थे कि जो अर्थशास्त्र है वह आदर्श विज्ञान है। अब इसमें जो लास्ट के बिंदु हैं आपको कितने समझ में आए हैं, मुझे लगता है ये सीधी सीधी बातें हैं। कोई शब्द अगर ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे सूचित करें, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे सामान्य बातें हैं, समझ में आने जैसी होंगी। हर बिंदु यही सिद्ध करता है कि अर्थशास्त्र दरअसल एक आदर्श विज्ञान भी है, वास्तविक विज्ञान के साथ साथ। अब हम अगर अर्थशास्त्र के नेचर को कला के रूप में मूल्यांकन करना चाहें तो ज़रा हम कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। किसी भी कार्य को कौशल के साथ करना ही कला कहलाता है। दूसरे शब्दों में, कार्य को संपादित करने का सर्वोत्तम तरीका ही कला है। कला के संदर्भ में प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। समस्त विज्ञान में कुछ आदर्शों, सिद्धांतों और लक्ष्यों का निर्धारण हो जाता है या किया जाता है। कला में हमें उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने का व्यवहारिक मार्ग पता चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि कला वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान के मध्य की कड़ी है। मार्शल अर्थशास्त्र को कला मानते हैं। उनके अनुसार कला व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का एक साधन है। अर्थशास्त्र कला है, इस संदर्भ में कुछ तर्क। पहला, अर्थशास्त्र आर्थिक रूप से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान करता है। अर्थात अर्थशास्त्री कारण तथा परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करने के साथ ही उत्पन्न समस्याओं के समाधान का मार्ग भी दिखाते हैं। यह कार्य वह अपनी कला द्वारा करते हैं। समस्त समस्याएं आर्थिक नहीं होती, कुछ समस्याएं धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक भी होती हैं जिनका समाधान कला द्वारा ही संभव है, जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। परंतु समाधान कला द्वारा किया जाता है। अर्थशास्त्र व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी है तथा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कला के रूप में ही किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र को कला माने जाने के पश्चात भी इसके वैज्ञानिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और ना ही इसका कोई दुष्प्रभाव इस पे पड़ेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र दरअसल एक सामाजिक विषय है और जिसका उपयोग कर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र किसी कार्य को करने का आदर्श व लक्ष्य प्रस्तुत करता है, हाउ टू डू थिंग्स, और जो उसका लक्ष्य है वो भी हमारे समक्ष अर्थशास्त्र रखता है। कला के रूप में अर्थशास्त्र उन लक्ष्यों की प्राप्ति की कार्य प्रणाली बता देता है। अतः अर्थशास्त्र में विज्ञान व कला दोनों के गुणों का समावेश होता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर चैपमैन का जो स्टेटमेंट है वो पठनीय है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक विषयों का उसके वास्तविक रूप में अध्ययन करता है तथा एक आदर्श विज्ञान के रूप में यह पता लगाता है कि आर्थिक आदर्श क्या होने चाहिए। कला के रूप में यह उन उपायों की खोज करता है जिसके द्वारा आवश्यक लक्ष्य पूरे किए जा सकते हों। तो ये अर्थशास्त्र की अपने आप में, अर्थशास्त्र के नेचर, अर्थशास्त्र के स्वभाव को व्यक्त करने वाला बेस्ट कथन है प्रोफेसर चैपमैन का। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान और कला के रूप में अर्थशास्त्र क्या है, क्या करता है, ये पूरा बताया गया है प्रोफेसर चैपमैन के द्वारा इस उनके कथन में। कोसा नाम के अर्थशास्त्री विज्ञान को कला की आवश्यकता कहते हैं। विज्ञान को कला की आवश्यकता रहती है और कला को विज्ञान की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चेक पॉइंट 2.2, विज्ञान कितने प्रकार का होता है आपने अभी पढ़ा था, सभी को पता होगा, हम बार बार उसे ही पढ़ रहे हैं। अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो फिर से बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। यदि वस्तु की इकाइयों का उपभोग निरंतर होता है तो उसकी उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपने अभी पढ़ा था ना एक उपयोगिता ह्रास नियम। तो उसकी उपयोगिता, अगर आप लगातार एक ही वस्तु की एक के बाद एक इकाई का उपयोग करते जाएं तो उसकी हर अगली इकाई से उपयोगिता घटती चली जाती है। किस विद्वान द्वारा अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की संज्ञा दी गई, अर्थशास्त्र की प्रगति के संबंध में कला और विज्ञान में संबंध क्या है, ये अभी लास्ट में ही आपने पढ़ा।